दोस्तों आज हमारे पास है 2022 की बजाज पल्सर N160 का सिंगल चैनल ABS वाला मॉडल। आज हम इसके बारे में जानने वाले हैं। ये रेड कलर है जो कि आप देख रहे हो, देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप लोगों को मैं बता दूं, सिंगल चैनल ABS एंड डुअल चैनल ABS दो वेरिएंट आने वाले हैं इस मॉडल में, एंड दोनों में थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। वो चेंजेस मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ और डिटेल से रिव्यू देने वाला हूँ इस बाइक के बारे में, कैसी दिखती है, क्या फीचर्स मिल जाते हैं, सब कुछ आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो ज़्यादा टाइम ना लगाते वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस बाइक के फ्रंट लुक के बारे में। सो फ्रंट लुक आप देख सकते हो, देखने में काफ़ी गजब की लग रही है। जैसे पहले हमारी N250 आती थी, वैसे ही आने वाली, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है उन दोनों के लुक में। सिर्फ आपको एक चेंजेस देखने को मिल जाएगा, इसके इंडिकेटर अभी आपको हैलोजन बल्ब देखने को मिलते हैं, N250 का आपको LED मिलता था, ये चेंजेस हैं। और नंबर प्लेट यहाँ पर लगने वाला है। और हेडलाइट की बात करें तो आपको LED प्रोजेक्टर हेडलाइट मिल जाती है, साथ में आपको दो प्यारे से DRL मिल जाते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। और बाइक मैं ऑन कर देता हूँ, ऑन करके देख लेते हैं। सो ऑन होने के बाद कुछ ऐसी दिखेगी हेडलाइट, बहुत अच्छी विजिबिलिटी आपको मिलने वाली रात के समय में। और ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है, एकदम MT-15 जैसी लग रही है देखने में सामने से। और आप लोगों क्या ओपिनियन है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। साइड से देखें तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्टिकर वर्क देखने को मिल जाएगा हेडलाइट वाइजर पे, बाकी आप देख सकते हो ऐसा कुछ आपको हेडलाइट मिलने वाला है। अब मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और आ जाते हैं फ्रंट में। फ्रंट से ये कुछ ऐसे दिखने वाले, आपको मडगार्ड के ऊपर स्टिकर वर्क देखने को मिल जाएगा, आपको 2 स्लॉट में मडगार्ड देखने को मिल जाएगा जो कि आप देख रहे हो, बहुत ही प्यारे से एंड स्टाइलिश मडगार्ड आपको मिलने वाले हैं। और यहाँ पे आपको ABS की ब्रांडिंग मिल जाएगी, सिंगल चैनल ABS आपको इसमें मिल जाता है। और आपको डिस्क मिल जाएगा फ्रंट में, रियर में मिलने वाला है, यहाँ पर रिफ्लेक्टर रहने वाला है। और आपको इसमें नॉर्मल कैलिपर मिलने वाले हैं, जबकि हमारी डुअल चैनल ABS वाले में आपको जर्मिका के ब्रेक कैलिपर मिल जाते हैं जो कि एक स्पोर्ट्स बाइक में वो कैलिपर लगते हैं और एक अच्छा ब्रांड है वो। इसमें आपको नॉर्मल कैलिपर मिल जाते हैं, ये चेंजेस हैं इसमें और डुअल चैनल वाले ABS में। और भी चेंजेस आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके टायर की बात करें तो आपको फ्रंट में मिल जाएगा 100x80 का जो कि ट्यूबलेस टायर रहने वाला है, ये एक नॉर्मल टायर है, रेडियल टायर नहीं मिलने वाला। और रियर का टायर मैं आपको दिखाऊंगा भी, तब उसकी साइज बताऊंगा। और ब्रेक की बात करें, फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगा 300mm का, रियर का आगे आपको दिखाने वाला हूँ। और इसके सस्पेंशन की बात करें तो आप देख पा रहे हो, फ्रंट में आपको मिल जाएगा टेलीस्कोपिक, रियर का मैं आपको दिखा देता हूँ। रियर का ये रहा जैसा कि आप देख पा रहे हो, रियर में आपको मिल जाता है मोनो शॉक सस्पेंशन जो कि एक अच्छा सस्पेंशन होता है, आपको बहुत अच्छा कम्फर्ट मिल जाएगा इसकी वजह से। और अभी हम टायर की बात कर लेते, रियर में भी आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाता है जो कि नॉर्मल टायर रहेगा, रेडियल नहीं रहेगा। और टायर साइज रहने वाली है रियर की 130x70 की। रियर में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगी जिसकी साइज रहने वाली है 230mm की। और साथ में आपको मिल जाता है सिंगल चैनल ABS, दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं इसमें, आपको सिंगल चैनल ABS मिलने वाला। और यहाँ पे आपको टायर हैदर मिल जाता है जो कि काफी स्टाइलिश दिख रहा है देखने में, आप देख सकते हो। सीट कॉल पे N160 की ब्रांडिंग मिल जाएगी जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही, मुझे अच्छा लगा। यहाँ पे आपको स्प्लिट ग्रैबल मिल जाते हैं। सीट की बात करें तो आपको स्प्लिट मिलने वाली जैसे आपको N250 में मिलती थी वैसे मिलने वाली है। और पल्सर की ब्रांडिंग मिल जाएगी, काफ़ी अच्छी आपको सीट क्वालिटी मिल जाती है और काफ़ी स्टाइलिश है जो कि सबको पसंद आएगी और बहुत अच्छा कम्फर्ट आपको मिलने वाला है। टैंक की बात करें तो आपको बहुत ही खूबसूरत सा टैंक मिल जाता है, पल्सर लिखा मिल जाएगा 3D में जो कि सबको पसंद आने वाला है। और ये रेड कलर तो गजब का है भाई, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, मुझे ब्लैक और रेड ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पे आपको यूनिक सा टेक्सचर एंड डिजाइन देखने को मिल जाएगा। टैंक की बात करें तो आपको मिलने वाला 40 लीटर का, इसकी माइलेज मेरे हिसाब से आपको मिल जाएगी 45 to 50 के आसपास। यहाँ पे आपको फोन चार्ज करने का ऑप्शन मिल जाएगा, USB केबल लगा के आप चार्ज कर सकते हो। बहुत अच्छे एंड फिनिशिंग के साथ बनाया गया है टैंक, आप देख सकते हो कितना स्टाइलिश दिख रहा है। अभी हम बात कर लेते हैं इसके मीटर कंसोल के बारे में। आपको सेमी डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर शायद यहाँ पे फुली डिजिटल होता तो इतना अच्छा नहीं लगता, ये ज़्यादा अच्छा लगा। इसमें काफ़ी सारी आपको कूल सी इन्फॉर्मेशन मिलने वाले, RPM मिल जाएगा, ओडोमीटर बताएगा, ट्रिप मीटर बताएगा, गियर पोजिशन इंडिकेटर बताएगा, एंड आपको लो फ्यूल इंडिकेटर, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो होने वाले। बाकी ABS के इंडिकेटर एंड सेट रिसेट करने के लिए आपको राइट लेफ्ट साइड में स्विच मिल जाएगी मोड एंड सेलेक्ट के नाम से, वहाँ से आप ट्रिप एंड काफ़ी सारी चीज़ें आप सेट रिसेट कर सकते हो। और इसमें आपको बहुत ही कम बेजल्स मिलने वाले हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं ये मीटर कंसोल किसको किसको अच्छा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और भी बात कर लेते हैं इसके रेसिंग हैंडल बार एंड स्विचेस की। यहाँ पे आपको किल स्विच मिल जाएगी और नीचे आपको सेल्फ का ऑप्शन मिल जाएगा जैसा कि आप देख पा रहे हो। और दूसरी तरफ की बात करें, मिरर आपको कुछ ऐसे मिल जाएगा। और यहाँ की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हो ये पासिंग का आपका हो गया ऐसा थ्रो मिलने वाला है, और ये आपका हो जाएगा अपर डिपर, और नीचे आपका मिलने वाला इंडिकेटर, फिर ये हॉर्न रहा। तो ऐसे कुछ आपको स्विचेस मिल जाएंगे। और मैं आपको ऑन करके इसका साउंड सुना देता हूँ। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा इसका साउंड।
और इधर से ये बाइक कुछ ऐसी दिखने वाली है। टेल एरिया की बात करें भाई, टेल एरिया बहुत ही गजब का है। आपको एलईडी टेल लाइट मिल जाती है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और अभी हम बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में। इंजन आप देख सकते हो, तो ऐसा कुछ मिल जाएगा। ये पहली बाइक है जिसमें आपको किक लगाने का ऑप्शन मिलता है, जो कि यहाँ पर रखा गया है। बाकी इंजन आप देख सकते हो, तो आपको गोल्डन एंड ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन के साथ में देखने को मिलेगा, बहुत ही खूबसूरत सा। और इसमें आपको डुअल स्टैंड मिल जाता है। अभी हम बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में। इसमें आपको इंजन मिलने वाला है 164.82 सीसी का, जिसकी और आपको मिल जाएगी 16 PS एट 8750 RPM पे। और आपको मैक्सिमम टॉर्क मिलने वाला 14.65 Nm एट 6750 RPM पे। इसमें आपको सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक SOSC इंजन, 2 वाल्व ऑयल कूल FI, और साथ में आपको मिल जाएगा 5 स्पीड गियरबॉक्स। आपको इसमें काफ़ी दमदार इंजन मिल जाता है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलने वाली है इस बाइक में। रियर की बात करें तो ये टेल लाइट मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, क्योंकि ये देखने में बहुत ही खूबसूरत दिख रही है। टेल लाइट आपको LED मिल जाती है, इंडिकेटर आपको हैलोजन बल्ब मिलने वाले हैं। रियर से आपको कुछ ऐसा भी मिल जाएगा। आ जाते हैं लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में यहाँ की बात करें तो आपको सारी गार्ड मिल जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हो कॉम्पैक्ट सा। और आपका पिलियन राइडर फुटरेस्ट सिल्वर कलर के साथ में। और इधर से बाइक कुछ ऐसी दिखने वाली, यूनिक सा टेक्सचर यहाँ पर मिल जाएगा। N160 की ब्रांडिंग मिल जाएगी, कूल सी जो दिख रही है। और ये रहा इसका टैंक, यूनिक स्ट्रक्चर एंड डिजाइन आपको सेम ही देखने को मिलेगा जैसे हमने वहां देखा था। ये रहा इसका इंजन, इधर से कुछ ऐसे दिखेगा लेग गार्ड। ये रहे इसके गियर पैड। गियर बॉक्स की बात करें तो आपको 5 मिल जाते हैं, पहले आपका नीचे लगेगा, बाकी के 4 ऊपर लगने वाले हैं। गियर पैड ये रहा आपका, ये रहा आपका राइडर फुटरेस्ट, ये रहा आपका साइड स्टैंड एंड डुअल स्टैंड। और आपको इसमें मिल जाता है साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर, जो कि एक सेफ्टी फीचर के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा फीचर आपको मिल जाता है। और ये सामने से बाइक कुछ ऐसे दिखेगी, आप देख सकते हो बहुत ही कूल सी लग रही है। थोड़ा दूर से मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर से बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली है। अभी हम बात कर लेते हैं इसके डायमेंशन के बारे में। सैडल हाइट आपको मिलने वाली है 795 mm, और इसका ग्राउंड क्लियरेंस आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा 165 mm का। व्हील बेस है इसकी 1358 mm, और इसका वेट आपको मिलने वाला है 154 kg। अगर हम इसके कलर ऑप्शन की बात करें तो आपको 3 कलर ऑप्शन देखने को मिलने वाला है इसमें। पहला आपको मिल जाएगा जो आप देख रहे हो ये रेड, दूसरा आपको मिलने वाला है ब्लैक कलर, तीसरा आपको मिल जाएगा ग्रे कलर। और आपको इसमें वेरिएंट टोटल देखने को मिलने वाले हैं दो। पहला आपको मिल जाएगा सिंगल चैनल ABS, दूसरा आपको मिल जाएगा डुअल चैनल ABS। और सिंगल चैनल ABS एंड डुअल चैनल ABS के चेंजेस की बात करें, पहला आपको देखने को मिल जाएगा ABS में, एक में आपको मिल जाएगा डुअल चैनल ABS, दूसरे में आपको मिलने वाला सिंगल चैनल ABS, और दूसरा आपको चेंजेस देखने को मिल जाएगा इसके ब्रेक कैलिपर में। सिंगल चैनल ABS में आपको नॉर्मल ब्रेक कैलिपर मिल जाएगा, जबकि वहीं पर डुअल चैनल ABS में आपको जर्मिका के ब्रेक कैलिपर मिल जाएंगे, जो कि एक अच्छा ब्रांड है। सिर्फ यही दो चेंजेस आपको देखने को मिलने वाला है सिंगल चैनल एंड डुअल चैनल ABS में। और एक मेन चेंजेस है प्राइस को लेकर, तो प्राइस की बात हम कर लेते हैं। मैं आपको प्राइस बता देता हूँ, और मैं आपको बता दूँ आप किसी भी स्टेट से हो आप लोग कमेंट करो, मैं उस स्टेट का प्राइस आप लोगों को बता दूंगा ऑन रोड प्राइस सिंगल चैनल ABS का। अगर आपको डुअल चैनल ABS का जानना है तो आप लोग उसका भी कमेंट करो, मैं उसका भी बता दूंगा ऑन रोड प्राइस आप किसी भी स्टेट से हो इंडिया से। तो अभी हम बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। सिंगल चैनल ABS की प्राइस की बात करें तो एक्स रूम आपको पड़ने वाली है 1,24,038 रुपये के आसपास, और आपको ऑन रोड ये पड़ जाएगी 1,53,300 रुपये के आसपास। और डुअल चैनल की बात करें तो उसके एक्स रूम प्राइस आपको पड़ने वाली है 1,27,000 रुपये, और आपको ऑन रोड पड़ने वाली है 1,56,000 रुपये के आसपास। ये स्टेट वाइज आपको डिफरेंट प्राइस देखने को मिलने वाली है, हर स्टेट की अलग अलग प्राइस रहने वाली है। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं ये कलर कैसा लगा, जिसको जानना है प्राइस आप लोग कमेंट करो। और यहां तक वीडियो देखा होगा तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।